ये डेवलपमेंट बोर्ड है हमारा एम्बेडेड सिस्टम का। ये रहा हमारा माइक्रो कंट्रोलर 8089S52। ये रहा हमारा प्रोग्रामर, जिसे प्रोग्रामर के थ्रू हम प्रोग्राम डालेंगे, अपने लैपटॉप से प्रोग्राम डालेंगे इसके अंदर, फिर प्रोग्रामर से माइक्रो कंट्रोलर के अंदर हमारा प्रोग्राम आएगा, उसके बाद ये सारा फंक्शन होगा। ये हमारा ये LED, ये 7 सेगमेंट, 7 सेगमेंट का सारा पिन, ये माइक्रो कंट्रोलर 8089SC2, ये माइक्रो कंट्रोलर का सारा पिन, ये हमारा LED और ये है LCD। और ये फिर प्रोग्रामर से हम लोग माइक्रो कंट्रोलर में कनेक्ट करने के लिए ये पिन यूज़ करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ग्राउंड है और इसमें भी ये ग्राउंड वाला जो ये है, ये दोनों कनेक्ट करेंगे तो प्रोग्रामर और मेरा माइक्रो कंट्रोलर कनेक्ट होगा। उसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग ये 6 पिन कनेक्टर यूज़ करते हैं। इसका ग्राउंड में यहाँ पे लगाएंगे, ये प्रोग्रामर के ग्राउंड में, मोबाइल पकड़ता और इसमें चेक करेंगे। ग्राउंड ग्राउंड के पास मेरा ब्लू तार है, तो हम लोग माइक्रो कंट्रोलर में भी यूज़ करेंगे तो ग्राउंड के पास, जैसे ही मेरा ग्राउंड है, ये मेरा ग्राउंड है, तो ग्राउंड में भी ब्लू तार के साइड से लगाएंगे। जैसे ही मेरा ब्लू तार है, इसको ग्राउंड से लगाएंगे। ये रहा, ये देख सकते हैं ग्राउंड के पास ब्लू तार है। ये इधर भी मेरा ग्राउंड से ब्लू तार फर्स्ट स्टार्ट हुआ है। ये मेरा प्रोग्रामर और माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोल हो गया। इसको पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ पे हमारे पास पोर्ट है, जिसे हम अपने लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे। अब लैपटॉप को इसके USB पोर्ट में से कनेक्ट कीजिए, उसके बाद इसे अपने डेवलपमेंट पोर्ट के पोर्ट से कनेक्ट कर दीजिए। देख सकते हैं ये बल्ब चल चुका है और ये हमारे डेवलपमेंट बोर्ड में सप्लाई आ चुका है, DC सप्लाई। अब इसमें हम लोग प्रोग्राम रन कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से प्रोग्राम इसमें डाल सकते हैं। सबसे पहले अपने लैपटॉप में हम लोग ये वाला सॉफ्टवेयर प्रोग ISP जो है, ये वाला सॉफ्टवेयर प्रोग ISP इसको बोलते हैं, इसे पहले खोल लेंगे, जिसके थ्रू हम लोग अपना प्रोग्राम डेवलपमेंट बोर्ड में डाल सकें। ये हमारा सॉफ्टवेयर खुल चुका है, इसके बाद इसमें हम अपना रीड करके देख लेंगे। यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं, ये वाला जो पॉइंट है रीड करेंगे। रीड करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं रीड ID सक्सेसफुल, यानी यह हमारा कंट्रोलर को रीड कर चुका है। इसके बाद इसके अंदर हम लोग प्रोग्राम डालेंगे। प्रोग्राम डालने के लिए यहाँ पे लोड फ्लैश का आप ऑप्शन देख सकते हैं। लोड फ्लैश पर क्लिक करके आपने जो अपना प्रोग्राम जो सेट किया है, उसे प्रोग्राम को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा A3 है, तो A3 प्रोग्राम को मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद फोटो पर क्लिक करके इसे बर्न करना, फोटो पर क्लिक करके बर्न किए। उसके बाद आपको इसके माइक्रो कंट्रोलर से इसके पोर्ट में कनेक्शन करना है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा पोर्ट यूज़ किया। ये हमारा प्रोटियस भी इसका फिजिकल सर्किट, इसे पहले क्लोज कर लेते हैं पाउच। P1 और P2,
सीन से निकलेगा। Thank you.